हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा द बाइकर। आज की वीडियो अपकमिंग टॉप 5 फुली फेयर स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स के बारे में है। इस लिस्ट में मैंने जो 5 बाइक्स ले रखा है वो सारी फुली फेयर बाइक है और इन सारी बाइक्स का वेट इंडियन ऑटो मार्केट में कहीं न कहीं एक लंबे टाइम से किया जा रहा है। इन सारी बाइक्स के लॉन्चिंग के लिए अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये सारी बाइक्स 2020 में ही लॉन्च हो सकती है। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नई बाइक्स परचेज करने वाले हैं और आपका मन है कि आप फुली फेयर स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक ले, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप इन तक देखना, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि बाइक्स की सारी न्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट की 5th बाइक है एप्रिलिया जीपीआर 150। गोवा में हुई हाल में ही एक शोकेस में एप्रिलिया ने जीपीआर 150 को शोकेस किया था। 2019 में हुई मोटो एक्सपो में एप्रिलिया ने आरएस 150 को रिवील किया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एप्रिलिया जल्द ही 150 सीसी सेगमेंट में अपनी दो बाइक्स को लॉन्च करेगी। एप्रिलिया की अभी तक प्रीमियम कैटेगरी में बाइक्स आती थी, बट अब कंपनी लोअर सेगमेंट में भी वर्क कर रही है। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाइक में आपको दमदार पावर के साथ अच्छी एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 149.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 4-स्ट्रोक BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 18 bhp का 9750 rpm पे और 14 nm तक का टॉर्क जनरेट करती हुई देखने को मिलेगा 7500 rpm पे। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक का कंपनी क्लेम करती है। बात करें अगर फीचर्स और लुक की, तो इसमें आपको फुल्ली LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, ट्यूबलेस टायर वायर टायर्स जैसे ही कई फीचर्स देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉज, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल, लो बैटरी इंडिकेटर जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें शो होगी। बात करें सस्पेंशन और ब्रेक्स की, तो इसमें आपको फ्रंट में 40 mm का USD फॉक्स और 300 mm का डिस्क पैड और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन विथ 280 mm का डिस्क पैड देखने को मिलेगा। इसमें आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलेगी और इसका माइलेज 40 किलोमीटर पर लीटर तक का कंपनी क्लेम करती है। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसका प्राइस 1,40,000 से 50,000 तक का देखने को मिलेगा और इसका लॉन्च डेट अभी तक कंपनी ने कोई इसका ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिया हुआ है, ना ही कोई इसका बारे में लीक आया है। बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक 2021 फर्स्ट मंथ तक ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। हमारे लिस्ट की 4th बाइक है होंडा CBR 250RR। कावासाकी की हाल में ही एक 4th सिलेंडर बाइक लॉन्च हुई है, कावासाकी ZX 25R, जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। होंडा के पास इस बाइक की कंपटीशन के लिए कोई भी बाइक अभी मार्केट में नहीं है। यही रीजन है कि होंडा ने फाइनली CBR 250RR को जापान में लॉन्च करने का प्लान कर चुका है इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में ही। होंडा अब CBR 250RR को पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली है। हाल में आई रिपोर्ट के हिसाब से होंडा इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स और नया ऐड करने वाला है, जैसे स्लीपर क्लच और पावर शिफ्टर। पावर शिफ्टर आ जाने के बाद होंडा CBR 250RR रेस ट्रैक पे और ज़्यादा पसंद की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। स्लीपर क्लच अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल कुछ गिने चुने बाइक्सों में देखने को मिलता है, जैसे कि R15 V3 जैसे इन बाइक्सों में। तो ये एक फीचर होंडा ने काफ़ी सही दिया है मेरे हिसाब से। अब बात कर ले अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 249.7 सीसी का पैरेलल 12 सिलेंडर 8 वॉल्व लिक्विड कूल PGMFI 4-स्ट्रोक BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 41 bhp का 13,000 rpm पे और 25 nm तक का टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा 11,000 rpm पे। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक का कंपनी क्लेम करती है। ये बाइक 0-60 सेकंड बस 2.8 सेकंड में पहुंचती है और 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 6.2 सेकंड्स में पहुंच जाती है। बात करें अगर इसके फीचर्स और लुक की, तो इसमें आपको ड्यूअल LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED बैक लाइट, ट्यूबलेस टायर वायर टायर्स जैसे ही कई सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेगा, जो आपको अपाची RR 310 में देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको सारी मेजर फंक्शंस होएगी, जैसे स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉज, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर। बात करें सस्पेंशन और ब्रेक्स की, तो फ्रंट में आपको USD फॉक्स और रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम में आपको फ्रंट में 310 mm का हाइड्रोलिक डिस्क पैड और रियर में 240 mm का हाइड्रोलिक डिस्क पैड देखने को मिलेगा। इसमें आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलेगी और इसका माइलेज 35 किलोमीटर पर लीटर तक का कंपनी माइलेज क्लेम करती है। इसका टोटल कर्व वेट 168 किलोग्राम का है। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसका प्राइस 3 लाख के अराउंड देखने को मिलेगा। इसके लॉन्च डेट की देखें, तो कंपनी का अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, बट जैसा अभी ये जापान में लॉन्च हो रही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बाइक 2021 के मिड तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। हमारे लिस्ट की 3rd बाइक है होंडा CBR 150RR।
होंडा जल्द ही इंडियन ऑटो मार्केट में कई नई बाइक्स और कई अपनी पुरानी बाइक्स की अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च करने वाली है। ये बाइक होंडा CBR 150R की अपग्रेडेड वर्जन है। कंपनी ने इस बाइक में पुराने मॉडल के कंपैरिजन में बहुत सारी चेंजेस की हुई है। ये बाइक शानदार लुक के साथ ही अपने पावरफुल इंजन की वजह से काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में। इस बाइक का वेट इंडियन ऑटो मार्केट में सबसे ज़्यादा किया जा रहा था। फाइनली होंडा ने इसके लॉन्च करने का मन बना ही लिया है। 2019 में हुई मोटो एक्सपो में होंडा ने इसको रिवील करा था। इसके साथ साथ होंडा ने CBR 250R को भी रिवील करा था उस एक्सपो में। होंडा इसको बहुत लंबे टाइम से अपडेट करने का सोच रहा था। अभी जैसा कि सारी बाइक्स को BS6 वेरिएंट में ही लॉन्च करना है, तो होंडा BS6 इंजन के साथ इस बाइक को भी अपडेट करने के मूड में है, क्योंकि ये एक अच्छा चांस है दोनों बाइकों को BS6 कॉम्पैक्ट इंजन के साथ साथ अपडेट भी कर देने का। बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड गोल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 4-स्ट्रोक BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 17.1 BHP का 9000 RPM पे और 14.4 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 7000 RPM पे। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। इसका टॉप स्पीड 135 km/h की है। इस बाइक की एक्सेलरेशन बहुत ही दमदार है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए इंजन की तो आपको सेम मिलेगी, बस इसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो पुराने वाले वर्जन से थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात करें अगर फीचर्स और लुक की, तो इसमें आपको ट्विन LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर, वाइड टायर्स जैसे कि कई मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें, तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉज और भी बहुत सारी चीज़ें शो होगी। बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको 41mm का USD फॉक्स देखने को मिलता है और रियर में प्रोलिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 276mm का डिस्क पैड फ्रंट में और 220mm का रियर में देखने को मिलता है। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलेगी और इसका माइलेज 40 km/L कंपनी क्लेम करती है, बट जहाँ तक मेरा अनुमान है इसका माइलेज आपको 42-45 km/L तक का होगा। इस बाइक की सीट हाइट 787mm का है और इसका कर्व वेट 135 kg का है। ये बाइक R15 V3 को टक्कर देने वाली है, अच्छा खासा टक्कर देने वाली है। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की, तो अगर कंपनी इस बाइक का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करती है तो थोड़ा प्राइस टैग कम देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा इसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वैसे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो इसका प्राइस 130,000 से 50,000 तक का देखने को मिलेगा। इसके लॉन्च की देखें तो कंपनी कोई अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक 2020 लास्ट तक ये बाइक लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे देखा जाए तो शोरूम्स भी खुलने लग गए हैं, तो बाइक्स का लॉन्च अब पुराने टाइमिंग से होने वाला है। जो पहले तय किया गया हुआ था उस टाइम से बाइक लॉन्च मे भी हो जाए। अगर ये बाइक 2020 के लास्ट तक नहीं हुआ तो 2021 के फर्स्ट मंथ तक तो ज़रूर हो जाएगा। हमारे लिस्ट की सेकेंड बाइक है Aprilia RS150। इस कंपनी की अभी तक प्रीमियम कैटेगरी 800 से 1000 cc की बाइक्स आती थी। हाल में आई न्यूज़ के मुताबिक Aprilia जल्द ही इंडिया में 150 cc सेगमेंट में एंट्री करने का मन बना रही है। कंपनी का मानना है कि 125 से 150 सीसी सेगमेंट में काफ़ी स्पेस है और ये सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ये बाइक हाल में ही चाइना में लॉन्च हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई 150 cc सेगमेंट में। इस बाइक का मेन कंपटीटर यामा की R15 V3 रहने वाला है इंडियन ऑटो मार्केट में। तो आप हमें ये कमेंट करके बताना कि आप RS150 को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर R15 V3 को। बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड गोल्ड FI BS6 इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 18 BHP का 10,000 RPM पे और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 7,500 RPM पे। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिल सकता है अगर Aprilia ने प्राइस कट नहीं किया तो। बात करें अगर फीचर्स की, तो इसमें आपको LED हेडलाइट, शार्प LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, इंजन की स्विच, स्प्लिट सीट, राइडिंग मोड्स देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल TFT स्क्रीन मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉज और भी बहुत सारी चीज़ें शो होएगी। बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको 40mm का USD फॉक्स देखने को मिलता है और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। बात करें ब्रेक्स की, तो इसमें आपको फ्रंट में 300mm का डिस्क और रियर में 218mm का डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलता है। ये बाइक ड्यूअल चैनल ABS के साथ आएगी। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसका प्राइस 140,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि ऑन रोड आते आते R15 V3 इतना देखने को मिल सकता है। इसका लॉन्च डेट अगर इंडिया में कोरोना कंट्रोल हो गई तो 2020 के दीपावली के आसपास देखने को मिलेगा ये बाइक आपको इंडियन ऑटो मार्केट में, नहीं तो ये बाइक आपको 2021 के फर्स्ट मंथ तक लॉन्च हो जाएगी। हमारे लिस्ट की पहली और आखिरी बाइक है बजाज पल्सर RS 400। बजाज की पल्सर सीरीज इंडियन ऑटो मार्केट में एक हिस्ट्री बनाया है। ये स्पोर्ट्स
बाइक का कल्चर पल्सर सीरीज की ही देन है। इस बाइक को 2001 में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अभी इंडियन मार्केट में पल्सर के कई सारी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको बेस्ट लुक के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। बजाज RS 400 की मैन्युफैक्चरिंग को हरी झंडी दिखाती है, बट ये बाइक पहले इंडोनेशिया में लॉन्च होगी फिर इंडिया में, ये की एक बैड न्यूज है। बट हाँ, कभी न कभी अगर इंडोनेशिया में आज लॉन्च हो रही है तो कुछ दिन बाद जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी वह बाइक। ऐसा बजाज क्यों कर रही है ये बात अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं गया है। बात करें अगर इसके इंजन की तो इसमें आपको सेम डोमिनार 400 जैसी 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टर BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 41 BHP का और 35 NM का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 175 किलोमीटर तक की होगी। बात करें अगर फीचर्स और लुक की तो इसमें आपको RS 400 से सिमिलर बट थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका लुक RS 400 से और भी ज़्यादा बल्कि देखने को मिलेगा, क्योंकि 400 की बाइक अगर आप कोई भी परचेज करता है तो लुक थोड़ा सा बलकर चाहिए ही होता है। इसमें आपको फुल्ली LED हेडलाइट, टेल लाइट, LED DRLs, अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर, इंजन किल स्विच, इंजन काउल जैसे कई मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी आपको अपग्रेडेड मिलेगी, जो कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गज और भी बहुत सारी चीज़ें शो होगी। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की तो इसका प्राइस डोमिनार 400 से मिलता जुलता देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 2.3 लाख से 2.6 लाख के अराउंड देखने को मिल सकता है। इसके लॉन्च डेट की देखिए तो कंपनी पहले अगस्त 2020 में इंडोनेशिया में इसको लॉन्च करेगी, उसके बाद इसको इंडिया में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बाइक 2020 के लास्ट तक इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस बाइक के लिए वेट करेंगे या किसी और बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।